हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं यार, पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस ऑफ ऑल ऑफ यू हैज बीन अपलोडेड ऑन आवर चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स के ऊपर। हर एक चीज आपको मिल जाएगा, तो आप अच्छी तरीके से इसको देखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और बाकी आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, ठीक है ना, कोई कोई छोटे स्टैंडर्ड में होगा, कोई बड़े स्टैंडर्ड में होगा, तो सबको एक इन्फॉर्मेशन जरूर से देना। पूरा 6 से लेकर 12वीं तक का पूरा सिलेबस, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। और साथ ही में जो भी 11th एंड 12th में इस साल होंगे, तो न्यू बैचेस अगर पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो एक और चैनल है JR कॉलेज, उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। वहां पे न्यू बैचेस में कंटिन्यूस वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं, और आप लोग भी जरूर से सपोर्ट दिखाना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको वहीं पे आना है, ठीक है। चलो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। माफ करना, मेरा काफी दिनों से गले का प्रॉब्लम चल रहा है, काफी ज्यादा थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र भी किया था, और 2-3 दिन पहले काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हुआ था, लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। और मुझे बोलने में तकलीफ भी है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट छोटा वीडियो लेकिन बना पाए, ठीक है ना। छोटा वीडियो रहेगा लेकिन इफेक्टिव रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंटली। तो यार, प्रॉब्लम सेट की शुरुआत ऑलरेडी की थी, एल्जेब्रा का एक प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर दिया, और देखते ही देखते बहुत जल्दी पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ज्योमेट्री का पहला प्रॉब्लम सेट सिमिलैरिटी चैप्टर का स्टार्ट किया था, एक लेक्चर हमने बना दिया था जिसमें हमने 5 MCQs आपको कराए थे। MCQs तो था बोलने के लिए, लेकिन उसमें कई सारे चीजें ऐसी थी जिसको सॉल्व करना पड़ता, तो हमने वो चीज देख लिया। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 2, जरूर से इसको देखेंगे। और एक और चीज कि अगर आप 10th में हो और आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आपको बताना चाहते हैं कि हमने हमारे जया ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पे एक न्यू बैच लॉन्च किया जिसका नाम है विश्वास बैच, जो कि एक पेड बैच है जिसमें हम पूरा साइंस, पूरा मैथ्स और पूरा SST एकदम बेहतरीन तरीके से नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने जा रहे हैं। और वहां पे हमने स्टार्ट भी कर दिया, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो आपने अगर अभी तक देखा नहीं है तो जाके चेकआउट कर लेना, हो सकता है आपको पसंद आए तो जरूर से आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दैट इज ट्राइंगल एबीसी। तो इन ट्राइंगल एबीसी बीडी का वैल्यू क्या है, 7 है। तो हम एक एक करके सबसे पहले क्या करते हैं ना, वैल्यूज भी लिख देते हैं। तो हमें क्या दिया है, बीडी, ये जो बीडी आपको दिख रहा है कहां गया, बीडी का वैल्यू जो है वो 7 दिया हुआ है, ठीक है। बीसी का जो वैल्यू है, देखो बीसी का वैल्यू 20 दिया हुआ है। तो पूरा का पूरा जो यहां से लेके यहां तक का जो बीसी का जो वैल्यू है, ये कितना दिया हुआ है दोस्तों, ये आपका 20 दिया है, माफ करना, ठीक है, ये आपका 20 दिया हुआ है। और हमें बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो, हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो ये 3 क्वेश्चन हमें पूछे हुए, तीनों को हम लोग निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर आप देखोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। तो हमें एक चीज पता है कि कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब रेशियो अगर निकालते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकाला जाता है, हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। और उसी को हम लोग एक दूसरे के नीचे रखते हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा होगा, मतलब अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे होंगे, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम सेट है। तो आपने अभी लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो लेक्चर्स के वीडियो सबसे पहले आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है पूरा चैप्टर को। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऑफ तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस के लिए मुझे पता है बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी की अगर मैं बात करूं, दैट इज एबीडी, तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है दैट इज एबीडी, ये ट्रायंगल में बेस तो मुझे पता है क्या है, बीडी। तो बेस मेरा क्या है, बीडी मल्टीप्लाई बाय हाइट लिखना है। तो हाइट तो यहां पे पता ही नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक हाइट को ड्रॉ करूंगा। यहां पे मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा, क्या करूंगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा। तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, एक डॉटेड लाइन ले लेता हूं और सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगा यहां पे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसका नाम जो आपको रखना है रख सकते हो। तो इसका नाम मैं क्या रखूं बताओ, इसका नाम मैं रख देता हूं x, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, x। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट का नाम क्या है, x पॉइंट है। तो हमारा जो हाइट हो जाएगा, बेस तो मेरा BD है इस ट्रायंगल का, ABD जो ट्रायंगल है इसका बेस BD है, लेकिन हाइट क्या हो जाएगा, A से लेके x, तो AX इज द हाइट। तो हमारा हाइट क्या हो गया, AX, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय बेस इनटू हाइट लिख दिया, बेस है ये हाइट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी का बेस इनटू हाइट लिख दिया। वैसे ही एडीसी है नीचे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, तो अब एडीसी का हम लोग बेस और हाइट लिखेंगे। तो बेस क्या है, एडीसी इस ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, डीसी है, और हाइट क्या रहेगा, सेम यही रहेगा जो कि ये है एएक्स। तो डीसी इज द बेस एंड हाइट है मेरा एएक्स, सेम हाइट है, क्योंकि देखो इसके लिए भी यही हाइट है, इसके लिए भी यही हाइट है, दोनों के लिए हाइट सेम है। तो यहां पे आपने ऑब्जर्व किया, तो दोनों के नीचे AX, AX है, तो ये AX और ये AX कैंसिल हो जाएगा। BD का वैल्यू दिया है क्या, BD का वैल्यू है 7, ठीक है, और DC का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता है, तो सबसे पहले DC निकाल लेंगे। तो यहां से DC निकाल लो, ये टोटल 20 है, ठीक है ना, आपका जो BC है टोटल क्या है 20, तो BC का मतलब क्या है, BD प्लस DC, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, बराबर।
तो बीसी आपका 20 है, बीडी आपको पता है 7 है और डीसी मुझे पता नहीं है, तो डीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर डीसी विल बी इक्वल टू व्हाट, 20 माइनस 7 दैट विल बी इक्वल टू 13, तो डीसी का वैल्यू क्या आ गया 13। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो डीसी होगा ये डीसी कितना होगा 13 होगा, ठीक है। तो डीसी का वैल्यू क्या है 13, तो 7/13। इसको और कुछ छोटा कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो कि नहीं, नहीं कर सकते तो यहाँ पे छोड़ दो, तो हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी का आंसर आ गया 7/13। कितना इजी है बताओ, कितना इजी है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता था बेस इनटू हाइट वाला, आपने लगा दिया, अप्लाई किया, कैलकुलेशन किया, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, आ गया आपका आंसर, समझ में आ रहा है। तो यही सब चीजें चैप्टर में दोस्तों, और चैप्टर ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ा ऐसा तुर्रम खान वाला चैप्टर नहीं है, और टेंथ भी आपका पूरा कोई बहुत बड़ा ये नहीं है यार, थोड़ा मेहनत करोगे अपने एंड से यार 90+ मार्क्स आराम से निकालोगे, ये वादा है मेरा आपसे। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एबीसी, तो एबीडी का अगेन पहले एबीडी कंसिडर करेंगे और एबीडी का बेस इनटू हाइट निकालेंगे, तो एबीडी का बेस क्या है, अगेन बीडी इज द बेस, हाइट है एएक्स, यानी कि BD मल्टीप्लाई बाय AX, तो ये हो गया बेस इनटू हाइट। वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस पूरे का बेस क्या है BC, ये पूरे का बेस क्या है BC है ना, तो BC और हाइट उसका सेम रहेगा दैट इज AX, पूरे का हाइट सेम ही है ना, ये AX जो हमने ड्रॉ किया ये सभी ट्रायंगल के लिए हाइट है, तो यहां पे AX AX कैंसिल हो गया, क्या बचा BD अपॉन BC, तो BD का वैल्यू है 7, ठीक है, और BC का जो वैल्यू है वो है 20, तो 7/20। इसको छोटा कर सकते हैं नहीं कर सकते, 7/20 इज द आंसर, बोलो ये तो और इजी था, ठीक है। तीसरा देखो यहाँ पे एडीसी अपॉन एबीसी, तो एडीसी कहाँ है, एडीसी दैट इज एडीसी ये वाला, इसका बेस क्या है डीसी, ठीक है, बेस क्या है डीसी, ये आपको थोड़ा बी जैसा दिख रहा है ना, ये 13 है, तो आप बोलोगे कि सर बी दिख रहा है, ये 13 है, 13, ठीक है। चलो तो एडीसी का क्या है बेस इनटू हाइट, डीसी मल्टीप्लाई बाय हाइट उसका एएक्स रहेगा, होल डिवाइडेड बाय एबीसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का भी बेस क्या है बीसी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट इज एएक्स, यहाँ पे भी AX और AX गेस कैंसल, आप बोलोगे सर AX को कैंसल होना ही था तो ड्रॉ क्यों किया, ड्रॉ इसलिए किया क्योंकि ताकि सबके लिए वो कॉमन बन सके, ठीक है। तो यहाँ पे DC का वैल्यू देखो, DC DC का वैल्यू है 13 और BC का जो वैल्यू है वो है कितना है, DC का टोटल वैल्यू कितना है 20, तो 13/20 विल बी योर आंसर, तो आ गया तीनों का हमने रेशियो का आंसर निकाल दिया, करेक्ट है, क्लियर है, कितना ईजी था, कितना बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर लिया और कितना बेहतरीन तरीके से हमने इसको निकाल भी लिया, समझ में आ गया है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब आज के लिए, वैसे ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, लेकिन हमने आज के लिए पहला क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान देना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विच इक्वल्स हाइट 2:3 इफ बेस ऑफ ए स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 देन फाइंड द बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल, यार ये क्या क्वेश्चन आ गया। चलो सबसे पहले मुझे पता ही नहीं है कि दो ट्राइंगल का रेशियो जो है वो दिया है, दो ट्राइंगल है क्या, तो सबसे पहले मैं मान लूंगा कि लेट द एरिया एरिया ऑफ स्मॉलर एंड बिगर ट्राइंगल, स्मॉलर एंड बिगर ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा वो A1 मान लिया एंड A2 मान लिया रिस्पेक्टिवली, दोनों को रिस्पेक्ट दे दो ताकि साइमल्टेनियसली हो जाए, मतलब स्मॉलर एंगल का एरिया A1 है, बिगर का A2 है। वैसे ही यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द बेस, तो बेस मुझे पता नहीं तो मैं मान लूंगा अगेन लेट 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 द बेस ऑफ लेट द बेस ऑफ स्मॉलर एंड बिगर, स्मॉलर एंड बिगर ट्राइंगल, यहां पे ट्राइंगल नहीं लिखा मैंने, स्मॉलर एंड बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस के लिए मैं B1 मान लेता हूं और B2 मान लेता हूं रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ओके। वैसे बेस का मान लिया, वैसे हाइट भी मान लो कि लेट द हाइट, देखो मैं थोड़ा सा रफ हैंडराइटिंग निकाल रहा हूं लेकिन आप लोग अच्छे से लिखना, लेट द हाइट ऑफ स्मॉलर एंड बिगर ट्राइंगल बी हाइट 1 H1 एंड H2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आप लोग लगा देना। तो हमने क्या कर लिया, लेट करके तीनों के तीनों मान लिया, हमने ट्राइंगल का भी एरिया A1 A2 मान लिया स्मॉलर बिगर का, और B1 B2 स्मॉलर बिगर का हमने बेस मान लिया, और H1 H2 स्मॉलर बिगर का हाइट मान लिया, ठीक है। हम ये क्या बोल रहे हैं, रेशियो दिया है, तो मान लो कि एरिया ऑफ जो स्मॉलर ट्राइंगल रहेगा उसको हम लोग मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, ठीक है, और उसका रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 जो कि है बिगर ट्राइंगल, ठीक है ना, ट्राइंगल 1 छोटा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल 2 बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ कैंसिल हो जाता है, मतलब ट्राइंगल 1 के लिए बेस इंटू हाइट मतलब B1 मल्टीप्लाई बाय H1, और इसके लिए क्या हो जाएगा B2 मल्टीप्लाई बाय H2, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, B2 मल्टीप्लाई बाय H2 हो गया। यहां पे उन्होंने बोल रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट्स, देखो ये वर्ड देखो, इक्वल हाइट मतलब दोनों के हाइट क्या है सेम है, मतलब मेरा H1 इज इक्वल टू H2 है, हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे कि कंडीशन क्या बोल रहा है कि H1 इज इक्वल टू H2, ठीक है ना, यहां पे कंडीशन आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि कहां लिखूं, बट हियर H1 जो है, हियर H1 इज इक्वल टू H2, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है, गिवन है ये, ठीक है ना, ये क्या है,
ये गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, तो इसके वजह से क्या होगा कि ये H1 और ये H2 कैंसिल हो गया, क्योंकि H1 इज इक्वल टू H2 है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये दोनों बचेगा। अब यहाँ पे एक और चीज दिया है कि रेशियो दिया है, मतलब ये दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दिया है जो कि है 2:3। देखो लास्ट में 2:3 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 इज इक्वल टू b1/b2 बच रहा है खाली, और b1 का वैल्यू दिया हुआ है देखो, इफ ए बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, मतलब b1 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 6 और b2 जो है बिगर ट्रायंगल का बेस है, तो इसको निकालने बोल रहा है, यानी कि b2 का वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × b2 देयरफॉर यहां पे करता हूं, देखो क्या हो जाएगा, 2 b2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × b2 इज इक्वल टू 6 × 3 यानी 18, तो देयरफॉर b2 इज इक्वल टू 18/2, तो देयरफॉर b2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 9 = 18 होता है, मतलब b2 का वैल्यू इज 9 सेंटीमीटर, तो हमारा b2 का वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ गया। b2 को मैंने क्या माना है, बिगर ट्रायंगल का बेस, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल, बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना आराम से हमने सॉल्व कर दिया, है कि नहीं दोस्तों, इजी है कि नहीं, आप ही खुद बताओ मुझे कमेंट करके, इजी है कि नहीं। तो यही सब चीज है दोस्तों इस पूरे चैप्टर में जो कि हमने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, और ये प्रॉब्लम सेट में भी आप देख पा रहे हो, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आखिरी क्वेश्चन हमारे आज के लिए, क्योंकि तीन ही क्वेश्चन कराने वाला था, तो आज का क्वेश्चन है एक और, जो कि एक फिगर दिख रहा है आपको, ये फिगर में बोल रहा है कि एंगल एबीसी इज 90° एंड डीसीबी इज 90°, तो एबीसी मतलब एबीसी, ये एंगल आपका 90° है, ठीक है, और बोल दिया कि एक और एंगल है एंगल डीसीबी, डीसीबी यानी ये एंगल भी आपका 90 है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, एबीसी एंगल और डीसीबी एंगल दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि दोनों 90° है, ठीक है। एबी का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, डीसी का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, हमें बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी का वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी का वैल्यू क्या होता है, बेस इनटू हाइट, तो एबीसी का बेस कितना है, ये ट्रायंगल का एबीसी का बेस कितना है, बीसी, यानी बेस बीसी मल्टीप्लाई बाय इसका हाइट कितना है, देखो ये ट्रायंगल की बात करें तो इसका हाइट यहां पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है जो कि है एबी, तो बीसी मल्टीप्लाई बाय एबी हो गया बेस इनटू हाइट, कौन से ट्रायंगल का, एबीसी का, वैसे नीचे है डीसीबी, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी कौन सा ट्रायंगल है, ये डीसीबी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में बेस अगेन क्या है, बीसी है, तो बेस इनटू हाइट मतलब बीसी मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का हाइट क्या है, ये वाला हाइट है जो कि है डीसी, लिख दो यहां पे डीसी। अब यहां पे आप देखोगे तो बीसी बाय बीसी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, बीसी बीसी गेट्स कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एबी अपॉन डीसी, लेकिन एबी का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और डीसी का 8 दिया हुआ है, तो एबी का वैल्यू है 6 और डीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो 6/8 होता, इसको कुछ कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 3 = 6 होता है, 2 × 4 = 8 होता है, मतलब क्या बचा 3/4 बचा, मतलब इन शॉर्ट लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी इज इक्वल टू 3/4, और इसको आप क्या करो डब्बा बना दो, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। कितना इजी था, कितना इजी क्वेश्चन था, ये आप देख पा रहे हो, क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज भी बहुत अच्छी तरीके से और इजी वे में समझ में आ गया। तो देखो ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि इतना ही मुझे आज पढ़ाना था, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा थ्रोट का प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज्यादा देर तक मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, तो जितना हो सके एनर्जी के साथ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, और ज्यादा जब हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके सभी चीज प्रॉपर टाइम पे आ जाएंगे, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा रखा है और ऑलरेडी आप लोग के लिए प्रॉब्लम सेट भी चालू कर दिया, और बहुत सारी चीजें और भी आने वाली है, साथ में ऐप पे भी चल रहा है विश्वास बैच, तो वहां पे भी आप जाके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया है दोस्तों, कैसा लगा जरूर से कॉमेंट करना, पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सभी को बता दो फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रॉब्लम सेट के वीडियोस चल रहे हैं, तो फटाफट से आके देख ले और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ले, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।